हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने बात करूंगा गेट एग्जाम के बारे में कि कैसे इस एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, प्लस कुछ पॉइंट आपके सामने डिस्कस करूंगा कि क्या कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और एग्जाम को क्रैक करने का बेनिफिट क्या है, वाई टू अटेम्प्ट क्रैक एंड क्रैक गेट एग्जाम, एंड उसके बाद वेन टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट, कब आपको इसकी तैयारी चालू करनी चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी करते हुए क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो मैं आपके सामने बताऊंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज, क्या टेस्ट सीरीज हमें कहीं ज्वाइन करनी चाहिए और इसका बेनिफिट क्या है, इसमें बेनिफिट ऑफ गेट एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा हाउ टू अटेम्प्ट गेट एग्जाम, क्योंकि अगर ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम बात करेंगे कि गेट एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट। तो ये सब चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सो सबसे पहले बात करेंगे कोचिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट, तो मैं आपके सामने सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी जो लर्निंग हैबिट है कि आप खुद से बहुत अच्छा कर सकते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। पर हाँ, मैं इस पक्ष में हूं कि कोचिंग से दो तीन फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, या फिर आप बीएससी में सब्जेक्ट के मतलब साइंस सब्जेक्ट के साथ दे रहे हैं तो आप बीएससी फाइनल में, तो वहाँ पे जो भी आप पढ़ते हैं वो एक थ्योरी के हिसाब से पढ़ते हैं, राइट। आपका जो प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर जो प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं वो सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, राइट। वहाँ पे कोई लाइक क्वेश्चन में कैसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर रही, कैसे चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को राइट करना है, वो आपको नहीं सिखाया जाता है ना। तो वो जो ओरिएंटेशन है वो आपको कोचिंग शीट्स में मिलता है। प्लस कोचिंग में क्या होता है, एक आपको पर्टिकुलर लाइक एक माहौल मिलता है, लाइक डेली आप डेढ़ से दो घंटा या तीन घंटा आप जाते हो, आप अटेंड करते हो, तो एक माहौल मिलता है, वो भी एक बहुत अच्छा है। प्लस कंपटीशन अगर रहता है तो आप कहीं ना कहीं उस कंपटीशन में ढल के आप मेहनत करने के लिए मोटिवेट होते हैं, तो राइट। मेरे हिसाब से कोचिंग के अपने बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जहाँ पर गेट की कोचिंग लाइक बहुत नॉमिनल प्राइसेज में मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आपको लगता है इसकी ज़रूरत है तो आपको करना चाहिए, और अगर आप इन सब चीज़ों से लगता है कि नहीं मैं खुद भी कर सकता हूं, तो अगर आप फिर करना चाहो तो मैं आपके सामने एक और चीज़ बताना चाहता हूं, बिना कोचिंग के भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट के साथ आप गेट एग्जाम दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक आपके पास होना चाहिए, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या क्या टॉपिक है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ट्रिक अप्लाई करके उन क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ों का आपके पास यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आप सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जाम को ईजिली निकाल सकते हैं। अब एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये आता है कि चलो ठीक है गेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, पर क्यों करनी चाहिए, राइट। स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है ना। नॉर्मली क्या होता है कि जब ग्रेजुएशन टाइम में स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो उसको ये पता नहीं होता है कि यार मैं क्या करूं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। मतलब ऐसी स्थिति होती है कि आप गाड़ी में बैठे हुए हो, आपको ये पता नहीं कि उतरना क्या है, बस जहां गाड़ी रुकेगी वहां जाके मैं उतर जाऊं, राइट, विच इज नॉट राइट। आपको कहीं ना कहीं आपको एक गोल लेके चलना चाहिए कि यार मैं गेट एग्जाम देने के बाद मैं IIT से अपना MTech करना चाहता हूं, या मैं PSC उसमें जाना चाहता हूं, या मैं IES की तैयारी करना चाहता हूं, या जो साइंस के स्टूडेंट है वो लाइक MTech करने के बाद PhD करना चाहते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में अपना जॉब प्लेसमेंट चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा, और टारगेट के साथ अगर आप चलेंगे तो इस एग्जाम को बहुत ईजिली आप क्रैक कर सकते। देखो जीवन में अगर कोई भी काम करना चाहते हैं उसका अगर उद्देश्य क्लियर है, अगर आप ऑब्जेक्टिव आपका पक्का है कि हाँ यार मैं ये करना चाहता हूं, तो रास्ता तो अपने आप बन जाता है, राइट। तो हमेशा आप पहले ये डिसाइड करिए कि आप उस एग्जाम को क्रैक क्यों करना चाहते हैं और उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, राइट। ये दो तीन चीजें अगर आपकी क्लियर है तो आप इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि इस एग्जाम की तैयारी कब और कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। तो अगर आप अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है तो आपको इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के अंदर जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट गेट का सिलेबस वो कवर ही होता है, थोड़ा सा उससे लेवल ज्यादा होता है। तो अगर आप अपने पढ़ाई के साथ साथ गेट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत सारा हेल्प कॉलेज के टीचर से भी मिल जाएगा, प्लस अपने फ्रेंड्स से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करके वहां पे आप अपनी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पे कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और आप अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक मार्केट से परचेस कर लीजिए। हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक मार्केट से मिल जाएगी, उससे आप जो भी आपकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को एक बार प्रीवियस ईयर पढ़िए, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्लस बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जो जहां पर फ्री स्पेशल क्लासेस, फ्री वीडियोस अवेलेबल है, तो वहां जाके आप यूट्यूब पे उन पर्टिकुलर टॉपिक पे आप सर्च कर सकते हैं। गेट के बहुत सारे ऐसे टीचर भी जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे तो मैं काम कर रहा हूं, तो मेरे यहां पे इस चैनल पे आप IIT पे जाके देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पर आपको मैं 25 से 30 मार्क्स की हेल्प तो मैं कर सकता हूं, पर जो सब्जेक्ट है आपके उन सब्जेक्ट के लिए आप यहां पे यूट्यूब पे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो बात करेंगे कॉमन
मिस्टेक्स। तो स्टूडेंट होता क्या है कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसका रिसर्च करना जरूरी है कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या लास्ट कट ऑफ्स हैं, कितना आपको यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से स्ट्रांग है और कौन कौन सब्जेक्ट पे आपको मेहनत करने की जरूरत है, राइट। आपको ये देखना है कि आपको एम टेक करना है, पीएचडी करना है, या फिर आपको पीएसयूज में जाना है, या फिर आप आईएएस की तैयारी बाद में करना चाहते हैं, राइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता करनी चाहिए। जैसे आज क्रिकेट की बात भी करें तो जब भी क्रिकेट का मैच स्टार्ट होता है सबसे पहले पिच का निरीक्षण होता है कि यार किस लाइक यहाँ पे स्पिन बॉल ज़्यादा चलेगी या फास्ट बॉल ज़्यादा अच्छी होगी, किसके लिए हेल्पफुल है, राइट। वैसे ही अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले उसका रिसर्च करना पड़ेगा कि एग्जाम एक्चुअली डिमांड क्या कर रहा है, क्या आपसे वो एक्सपेक्ट करता है, राइट। एक होता क्या है स्टूडेंट, एक तो स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है। आपको यहां पे कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, राइट। आप कम टाइम में बहुत अच्छा यहां पे कर सकते हैं अगर आपने इस एग्जाम की पूरी थोरो स्टडी कर ली कि भैया कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, लास्ट का कट ऑफ क्या रहा है मेरे सब्जेक्ट के अंदर में, कितने आईआईटीज हैं जहाँ पर इस सब्जेक्ट में एमटेक्स अवेलेबल है या पीएचडी अवेलेबल है, कौन कौन सी पीएसयूज है जो इस सब्जेक्ट में हायर करती है, सब ये सब आप थोड़ा रिसर्च कर लेंगे। कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, मुझे कब अप्लाई करना चाहिए, जब फॉर्म भरे तब मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लाइक पूरा आपको रिसर्च करना चाहिए। और इस पर मैं काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे रखा है जहाँ पर मैंने गेट एग्जाम के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रखी, तो वहां पे आप देख सकते हैं। और भी मेरे अलावा बहुत सारे क्रिएटर हैं जो ये काम करे, तो आप उनकी वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। सुन, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप में बहुत सारा नॉलेज है और नॉलेज को अगर आप टेस्ट नहीं करोगे कि यार कितना नॉलेज आप में है, तो यार वो नॉलेज किसी काम का नहीं, राइट। तो आपको अपना नॉलेज को टेस्ट करना जरूरी, राइट। होता क्या है कि जो चाकू होता है ना उसकी धार को बार बार बनाना पड़ता है ना, क्योंकि एक टाइम के बाद वो धार उसकी वो हो जाती है ना, तो उसको धार को करने के लिए वापस करना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज भी एक ऐसा ही है कि जब आप तैयारी कर रहे हो अगर आप टेस्ट सीरीज दोगे तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि यार आप में कितना नॉलेज है, किस चीज़ों में किस टॉपिक में आप यहाँ पे कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, आपको कैसे उस मिस्टेक्स को ओवरकम करना है और आपको अच्छी तैयारी करनी है, राइट। सो टेस्ट सीरीज देने का जो बेनिफिट है वो यही है कि आप अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करते हैं अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अगर आप कम स्कोर करते हैं तो आपको ये पता पड़ता है कि आपकी मिस्टेक्स क्या है। देखो उल्टा होता क्या, सफलता और असफलता दोनों ही जरूरी है। सफलता है, हमें सिखाती है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करती है, और असफलता जो होती है वो कहीं ना कहीं हमें मैसेज देती है कि यार हमें इन इन एरिया में और मेहनत करने की जरूरत है। तो सुन, टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ आप वीक हैं और कहाँ आप अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो जहाँ भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टेस्ट सीरीज बहुत नॉमिनल प्राइसेस में अवेलेबल है, तो आपको अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते कम से कम टेस्ट सीरीज तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। सो सुन, बेनिफिट ऑफ गेट एग्जाम, अभी इतनी पूरी बात हो चुकी है, अब आप बोलोगे सर ठीक है आपने इतना ज्ञान तो दे दिया, गेट के एग्जाम की तैयारी मैं करूंगा सर, कल से स्टार्ट कर दूंगा, पर बताओ सर कि इस एग्जाम का बेनिफिट क्या है। तो भैया इसका बहुत सारा बेनिफिट है। इससे पहले मैं एक YouTube वीडियो अपलोड कर चुका हूं, यहां आईटी पे जाके आप देख सकते हैं, इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं कि गेट एग्जाम के क्या फायदे हैं। मैंने हर फील्ड में इसके बेनिफिट्स को बताने की कोशिश करी है, तो आप वहां जाके मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो को देख चुके हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, वो मैं आपको सामने नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं। तो क्योंकि होता क्या है कि आपने पूरा मन बना लिया, आप पूरी तैयारी कर रहे हैं, अब एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो इस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और कैसा लगा आपको जो मैंने अभी आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन गेट एग्जाम के बारे में दी है? अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बने रहिए मेरे साथ ऐसे वीडियोस के लिए। मैं आने वाले टाइम में मेरे जो YouTube चैनल है इस पर मैं काफ़ी सारा कंटेंट अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए लेके आने वाला हूँ, तो जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और स्टूडेंट लास्ट में मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं गेट एग्जाम के लिए, जहाँ पर मैंने बात करी है IITSM एग्जाम के बारे में बात करी है, प्लस यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जनरल एप्टीट्यूड, इन पे भी काफ़ी सारा कंटेंट मैंने अपलोड किया, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।